देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कई दिन हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली वालों को ठंड का एहसास होने लगा है। बीते दिन गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिसने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में यह गिरावट व्यापक जलवायु पैटर्न को दर्शाती है। दिल्ली में गुरुवार का तापमान देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही शहर में ठंडक का दौर शुरू हो सकता है। ऐतिहासिक रूप से दिल्ली में सितंबर में तापमान में अचानक से यह बदलाव देखा गया है। पालम में सितंबर में अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 23 सितंबर 1972 को दर्ज किया गया था, जो 13.6 डिग्री सेल्सियस था। इसी तरह सफदरगंज में सितंबर का न्यूनतम तापमान 24 सितंबर 1930 को 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। साल 2009 के बाद से सफदरगंज में सितंबर के लिए सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 सितंबर से दिल्ली में बारिश थम सकती है। हालांकि इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं 25 सितंबर से दिल्ली में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है।